गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में देख रही स्क्रीन पर ओ कहती है तेरी पायल घायल शाम सवेरे स्क्रीन पर इस टाइप का डबल फोटो मूविंग स्टेटस वीडियो हम क्रिएट करेंगे। ये स्टेटस में क्या है, यहाँ पे देख सकते हो जो फोटो यहाँ पे मूविंग हो रहा है इधर उधर, मतलब राइट लेफ्ट हो रहा है, और यहाँ पे लिरिक्स वीडियो यहाँ पे चल रहा है। तो इस टाइप का वीडियो क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है और कम स्टेप में आप बना सकते हो। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट देखना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और ये स्टेप्स आपको बताते हैं। तो वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको इनशॉट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक दे दूंगा आपको टेलीग्राम पे, या फिर ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको चाहिए इनशॉट एप्लीकेशन का मोड वर्जन, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना है, वहाँ आपको इजीली ये इनशॉट एप्लीकेशन का मोड वर्जन मिल जाएगा। देन आपको इनशॉट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे वीडियो वाला ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको ये ब्लैंक ब्लैक इमेज को ऐड कर लेना है। शुरू में आपको मिल जाएगा, तो आपको ये वाला ऐड कर लेना है। करने के बाद आपको शुरू में यहाँ पे कन्वर्स एक ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पे, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको ये वाला रेशियो को सिलेक्ट करना है, 9:16 वाला रेशियो को। देन यहाँ पर टिक मार्क में क्लिक कर देना है। अब आपको क्या करना है, वीडियो का रेशियो को मतलब ड्यूरेशन को आपको लॉन्ग करना है। तो ड्यूरेशन को लॉन्ग करने के लिए यहाँ पे आपको ड्यूरेशन वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पेंसिल वाला आइकॉन पर जाना है और यहाँ से आप जितना सेकंड को मतलब जितना सेकंड में वीडियो क्रिएट करना चाहते हो उतना सेकंड में यहाँ पे कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 15 सेकंड का कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए 30 सेकंड एक मिनट, तो आपको यहाँ पे कर लेना है इस तरह से, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे वीडियो का ड्यूरेशन यहाँ पे 15 सेकंड तक हो गया है। तो अब क्या करना है, आपको यहाँ पे थोड़ा मतलब फर्स्ट पे जाना है और अब क्या करना है, आपको फोटो ऐड कर लेना है। आप अपने फोटो को यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए फोटो को मैं एक एक करके ऐड कर लेता हूँ। उसके लिए यहाँ पे PIP एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे फोटो वाला ऑप्शन में जाना है और यहाँ से आप फोटो को ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे दो फोटो ऐड करूंगा, तो चलिए एक एक करके हम फोटो को ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे एक फोटो ऐड हो चुका है। उसके बाद थोड़ा इस तरह से स्लाइड करना है टूल्स को, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉप वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 16:9 वाला रेशियो को स्लाइड करके आपको ऊपर की ओर लेकर चल जाना है फोटो का फेस के यहाँ, ठीक है। इस तरह से आपको लेकर चल जाना है और टिक मार्क में क्लिक करके आपको ये वाला सेट कर लेना है ऊपर में या फिर नीचे में, जहाँ आपको सेट करना है कर लेना है। तो मैं यहाँ पे ऊपर में सेट कर रहा हूँ, देख सकते हो यहाँ पे। और थोड़ा फोटो को इस तरह से हम जूम कर देता हूँ, ठीक है। जूम करने के बाद आपको यहाँ पे राइट की ओर लेकर चल जाना सबसे पहले, या फिर लेफ्ट की ओर। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, तो हम यहाँ पे लेफ्ट की ओर लेकर चल जाता हूँ फोटो को, ठीक है। यहाँ पे आपको रख देता है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये फोटो का ड्यूरेशन आपको लॉन्ग कर लेना है। तो लास्ट वाला आइकॉन है, या फिर आपको स्लाइड कर लेना है इस तरह से, तो लॉन्ग हो जाएगा। देन अब क्या करना है, यहाँ पे मूविंग स्टेप ऐड करना है, फोटो में मूविंग स्टेप ऐड करना है। उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा की फ्रेम, इसके ऊपर एक बार क्लिक करना है आपको, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। देन आपको ये जो लेयर है आपको लास्ट को मतलब लास्ट में लेकर चल जाना है इस तरह से, और आपको की फ्रेम वाला ऑप्शन में और एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं ये फोटो आपको इस तरह से राइट की ओर लेकर चल जाना है ये फोटो, ठीक है। इस तरह से आपको लेकर चल जाना है। तो देख सकते हो यहाँ पे मूविंग स्टेप ऐड हो चुका है, यहाँ पे मूविंग स्टेप होना स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह आपको दोबारा सेकंड फोटो को ऐड करना है, तो यहाँ पे PIP वाला ऑप्शन में क्लिक करना है और सेकंड फोटो को हम ऐड कर लेते हैं। चलिए तो देख सकते हो यहाँ पे सेकंड फोटो ऐड हो चुका है। उसके बाद आपको दोबारा आपको क्रॉप वाला ऑप्शन में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 16:9 वाला जैसे को स्लाइड करके आपको फेस मतलब फेस में इस तरह से लेकर चल जाना है और यहाँ पे टिक मार्क में क्लिक कर देना है। देन आपको फोटो को जूम करके इस तरह से नीचे में सेट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से आपको कर लेना है और फोटो को आपको राइट की ओर लेकर चल जाना है फर्स्ट में, या फिर लेफ्ट की ओर, तो आपको डिसाइड कर लेना है। तो ऊपर वाला फोटो जो है यहाँ पे राइट की ओर हो रहा है मूविंग, तो आपको ये वाला फोटो को लेफ्ट की ओर लेकर चल जाना है इस तरह से, ठीक है। देन आपको इसका ड्यूरेशन आपको इस तरह से लॉन्ग कर लेना है स्लाइड करके। देन अब क्या करना है, यहाँ पे की फ्रेम वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये लेयर है आपको लास्ट पे लेकर चल जाना है इस तरह से, और की फ्रेम वाला ऑप्शन में दोबारा आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं ये जो नीचे वाला फोटो आपको टच करना है इस तरह से, और फोटो को लेफ्ट को लेकर चल जाना है इस तरह से, ठीक है। तो देख सकते हैं दोनों फोटो में यहाँ पे मूविंग स्टेप ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आपको कर लेना है मूविंग स्टेप ऐड, ठीक है। देन अब क्या करना है, यहाँ पे दोबारा PIP वाला ऑप्शन में क्लिक करना है और ये लिरिक्स वीडियो को ऐड
कर लेना है। तो चलिए हम ऐड कर लेता हूँ, लिरिक्स वीडियो को ऐड कर लेना है। इसका लिंक दे दूंगा आपको टेलीग्राम पे, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ये लिरिक्स वीडियो ऐड हो चुका है, उसके बाद इस लिरिक्स वीडियो को हम फुल स्क्रीन पर कर दूंगा इस तरह से। और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्रोमा ऑप्शन, देख सकते हो यहाँ पे क्रोमा ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको ये ग्रीन जैसा कलर है इसके ऊपर लेकर चल जाना है, ये गोल जैसा सर्कल को जैसे लेकर चल जाए। तो स्ट्रेंथ है नीचे वाला एक ऑप्शन है स्ट्रेंथ, इसको आपको 100 कर लेना है इस तरह से और टिक मार्क में क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे फिल्टर वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एडजस्ट वाला ऑप्शन में जाकर जो यहाँ पे लाइटनेस है आपको यहाँ पे 50 कर लेना है, प्लस 50 कर लेना है। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से लाइट हो चुका है लिरिक्स वीडियो में। उसके बाद टिक मार्क में क्लिक करना है और देख सकते हो यहाँ पे लिरिक्स वीडियो मेरा ऐड हो चुका है। तो इस तरह से आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। देन आपको दोबारा यहाँ पे PIP एक ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये वाला जो है लाइट वाला वीडियो को ऐड कर लेना है, देख सकते हो यहाँ पे लाइट वाला वीडियो ऐड हो चुका है। लाइट वाला वीडियो को हम फुल स्क्रीन पर कर लूंगा इस तरह से। देन आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे ब्लेंड ऑप्शन, इसके ऊपर टच करना है। टच करने के बाद आपको स्क्रीन मोड में कर लेना है। तो देख सकते हो यहाँ पे आपका जो वीडियो है 100% बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। तो चलिए एक बार हम प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। कहती है मुझे तो यहाँ पे वीडियो बनकर रेडी हो चुका है, देख सकते हो यहाँ पे। तो अब क्या करना है, वीडियो को सेव करना है। तो सेव करने के लिए ऊपर में सेव वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फ्रेम रेट है 16 कर लेना है और वीडियो को सेव कर लेना है। तो इस तरह से आप वीडियो बना सकते हो इजीली, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह और भी अमेजिंग वीडियो पाने के लिए।